पिछले कुछ सालों में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम में मिक्सचर और एलिगेशन के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उन सभी क्वेश्चन को आप किस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूं दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2008 में पूछा जा चुका है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट सुगर एट रेस 16 पर केजी बी मिक्स्ड विद सुगर एट रेस 14.50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर में बी ओर्थ रेस 15.40 पर केजी। यहाँ पर कहा है कि दो टाइप का सुगर है। पहला टाइप का सुगर जो कि 16 पर केजी रेस है, और दूसरा टाइप का सुगर जो कि 14.50 पर केजी रेस है, प्राइस है। तो यहाँ पर दोनों सुगर को किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए, तब उसका जो प्राइस होगा, मिक्सचर का जो प्राइस होगा वो होगा 15.40 पर केजी। तो यहाँ पर पहला टाइप का जो सुगर है जो कि रेस 16 पर केजी, और दूसरा टाइप का सुगर जो कि 14.50 पर केजी। अब दोनों को मिक्स किया जाए तब उसका जो प्राइस होगा वो होगा 15.40 पर केजी। तो यहाँ पर सिंपली मिक्सर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला जो कि इससे इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो 16 से 15.4 को अगर माइनस करेंगे तो 0.6, एंड 15.40 से 14.5 को अगर माइनस करेंगे तो 0.9, यानी कि 0.9:0.6 प्रोपोर्शन में उसको मिक्स करना चाहिए इन दोनों सुगर को 0.9:0.6 प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए, यानी कि इसको पॉइंट दोनों का उठा दीजिए एंड 3:3:9 एंड 3:2:6 यानी कि 3:2, यानी कि 3:2 प्रोपोर्शन में इन दोनों सुगर को मिक्स करना चाहिए, तब उसका जो दोनों का मिक्सर का प्राइस होगा वो 15.4 पर केजी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। किसी औसत मिल्कमैन ने स्वीकार करते है कि वो सेल कर रहा है मिल्क कॉस्ट प्राइस में, बट ही मिक्स इट विथ वाटर, बट वो वाटर मिलाता है एंड देयर बाय गेन्स 25%, एंड वाटर मिलाने की वजह से वो 25% प्रॉफिट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। देन क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सर इज, तो उस मिल्क और वाटर का मिक्सर में वाटर का परसेंटेज कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए मिल्क का कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज, मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क रेस 1 रुपीज मान लीजिए, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सर यानी कि वाटर मिला के सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, रेस 1 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस में ही बिक रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है यानी कि गेन 25%। तो इसमें से मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल टू 1 रुपीज, तो 1 × CP यानी कि सीपी मान लीजिए 100 upon 100 + 25 जो कि एसपी होगा, देन 100 upon 125 यानी कि 4/5 रुपीज जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सर, 1 लीटर मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना। तो यहाँ पर एलिगेशन का फॉर्मूला मिल्क और वाटर लिया जाए तो मिल्क 1 रुपीज एंड वाटर 0 रुपीज, तो यहाँ पर एवरेज कितना है 4 अपॉन
5 रुपीज। तो इसमें से 1 माइनस 4 अपॉन 5 यानी कि 1 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 माइनस 0 यानी कि 4 अपॉन 5 आ रहा है। यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 4:5:1:5 यानी कि 4:1 जो कि मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि मिक्सचर में वाटर का जो परसेंटेज है वही निकालना है। तो यहाँ पर वाटर कितना है 1 और मिल्क 4, तो यहाँ पर ऊपर में 1 upon 4+1 into 100% यानी कि 100/5% यानी कि 20%। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर होगा जो कि मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।